अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। एक ये संभावना है और उसको हमने सही मानते हुए मुख्य रूप से ये भी अंदेशा किया जा रहा है कि बच्चों को प्रभावित करेगा। तो हमारे यहाँ 10 बेड का पीकू वार्ड है, वो अभी फुल रेडी फंक्शनल है और हमारे जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उन लोगों को विशेष हिदायत दे दी गई है। जो ट्रेनिंग लेके आए हुए नर्सेज डॉक्टर हैं शिशु रोग के लिए या पीकू के लिए, वो लोग सेंसिटाइज कर दिए गए हैं और अलर्ट कर दिए गए। सर, ऑक्सीजन सेंटर, ऑक्सीजन पाइपलाइन का भी बेड का निर्माण कराया गया है जी। इधर पुरुष वार्ड में 10 बेड का बनाया गया है सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ, जिसको हम कोई भी पत्ती में इस्तेमाल कर सकें। पढ़िया में भी सर सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन का बनाया? हाँ, वहाँ पहले भी था, अभी कुछ और बेड उसमें बढ़ाए गए हैं। वहाँ के साथ प्रबंधक बड़े कर्मठ हैं, तो उन लोगों ने और भी पाइपलाइन की संख्या बढ़ा दी है। सर, ये कैसे काम करेगा सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन? क्या फायदा होंगे, किस तरह से लोगों को इसका फायदा होगा? इसका मुख्य फायदा ये है कि बड़ा ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर हम एक जगह कनेक्ट करते हैं और बेड के पास सारा अटैचमेंट लगा रहता है, उसमें चेक घुसा के मरीज के नाक या मास्क से हम कनेक्ट करते हैं जोड़ के, सिलेंडर लाने की नहीं दिक्कत रहती है। नहीं, ये ऑक्सीजन सप्लाई की एक बेहतर व्यवस्था है जो इमीडिएट आप कर सकते हैं। कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर को खोलना भारी होता, उसको लाने के लिए स्टाफ की जरूरत, वो समस्याएं इसमें हल होती हैं। ऑक्सीजन तो वही रहता है जो किसी सिलेंडर में होता है। ऐसा कोई पूर्वानुमान एग्जैक्ट नहीं है, बस अनुमान ही है। हाँ, तैयारी हम कर। सर, दूसरे की भी तैयारी थी लेकिन देखा ये गया कि स्वास्थ्य विभाग जो है कि उसमें नाकामयाब। हर बीते हुए घटना और समय के बाद अनुभव बढ़ता है। जनवरी और फरवरी मार्च आखिर वर्ष लगभग कोरोना मरीज शून्य होते जा रहे थे, तो दूसरी लहर अचानक आएगी, ये एक नया अनुभव होगा और उसके कारण इस बार वो विफलता नहीं होगी, सतर्कता है। सबसे मुख्य दिक्कत ऑक्सीजन की हुई है जो हम लोगों ने झेला है। इस बार सरकार के स्तर से इतनी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, ऑक्सीजन की कमी किसी संस्थान में नहीं होगी। सर, बेड और एम्बुलेंस को लेकर किस तरह की तैयारी? बेड और एम्बुलेंस जो हमारे विद्यमान थे आज भी कार्यरत हैं, सेंसिटाइज कर दिया गया है और नए एम्बुलेंस खरीदने की सरकार चेष्टा में है, उसका सूचना मिला है। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो JEE, PMT, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, DAV कॉलेज मोर सिवान, और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने JK कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली ये संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और CBSE बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ JEE और NEET के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ
हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।